हेलो एवरीवन, एफएटी अपने आखिर फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है। देखो, आपके मन में कई सारे सवाल आते होंगे कि आखिर एफएटीएफ है क्या, भारत के इतने प्रयासों के बावजूद भी पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं हो रहा, उसके साथ पाकिस्तान का क्या नुकसान हो रहा है ग्रे लिस्ट में रहने से, और आखिर में यह भी जानने को मिलेगा इस साल भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं हो पाया। इसके लिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें एंड प्लीज सब्सक्राइब। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में बना था G7 कंट्रीज के पहल पे। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका मेन एम दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के खिलाफ कानून बनाना है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले के बाद से टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म फंडिंग को रोकना भी इसमें शामिल किया गया था। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। पहले भी पाकिस्तान 2013 से 2016 के बीच में ग्रे लिस्ट में रह चुका है। आप ये बार बार सोचते होंगे, यार ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाल दिया जाता। इसका भी आंसर बड़ी सिंपल है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए सिर्फ 3 देशों की जरूरत थी, और कहा जा रहा है कि हर बार की तरह चाइना, टर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान के डूबते नैया को सहारा दिया है। आखिर देखते हैं कब तक भारत के बढ़ते ताकत से तीनों देश पाकिस्तान को बचाता है। अब आते हैं पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट प्रेम पे। वैसे पाकिस्तान ने फेक कोशिश तो बड़ी किया, कई सारे आतंकियों को पकड़ने का ढोंग रचाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट जुलाई 2019 में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को भी अरेस्ट किया। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे ढोंग से अब दुनिया वाकिफ है, क्योंकि पाकिस्तान हाफिज सईद को पहले भी कई बार अरेस्ट कर चुका है और फिर छोड़ देता है। इस बार पाकिस्तान को 27 इंपॉर्टेंट स्टेप उठाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें से पाकिस्तान ने 21 पे ही पार्शियली या फुल्ली काम किया और बाकी का छोड़ दिया। और जो छोड़ दिया वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद और लखवी ऐसे खतरनाक आतंकी के खिलाफ कार्रवाई करना था। ग्रे लिस्ट में वो देश शामिल होता है जहां एक्सट्रीमिज्म पे फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो देश एफएटीएफ के साथ मिलकर इसे रोकने को लेकर काम करने को तैयार होते हैं। एफएटीएफ से जुड़ी संस्था एशिया पैसिफिक ग्रुप APG इस मामले से संबंधित देशों पे नजर रखती है और अपने रिपोर्ट एफएटीएफ में सबमिट करती है। ग्रे लिस्ट में रहने से उसे IMF, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन से आर्थिक मदद हासिल करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कम से कम 12 देशों की सपोर्ट की जरूरत है 39 देशों में से। वहीं ब्लैक लिस्ट में उस कंट्री को शामिल करने का नियम है जो कंट्री कोई सपोर्ट नहीं करता एफएटीएफ को अपने आप पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताने में। अभी सिर्फ 2 कंट्री हैं ब्लैक लिस्ट में, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अगर पाकिस्तान आतंकी को मदद देना बंद नहीं किया तो उसे आने वाले टाइम पे भारत के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान के लोगों को भी यह समझना पड़ेगा कि वहाँ के आर्मी और सरकारों ने ऐसे करके खुद पाकिस्तानियों का जीवन ही अंधेरे में डाल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।